कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी कर रही जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आया है। केस पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज का है। इस घटना के बाद अब देश भर में जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PGIMS से भी कैंडल मार्च का वीडियो सामने आया है। प्रोटेस्ट से पहले रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से वी वांट जस्टिस का पोस्टर सर्कुलेट किया गया था। बता दें वीडियो सोमवार शाम का है। प्रोटेस्ट में MBBS और PG के स्टूडेंट्स शामिल रहे। सोमवार सुबह भी PGIMS का हाल कुछ ऐसा ही रहा। दरअसल सुबह 11 से 1 बजे तक 2 घंटे के लिए OPD में पेन डाउन प्रोटेस्ट किया गया। इस दौरान किसी भी मरीज को नहीं देखा गया। इसके अलावा सोमवार को पूरे दिन डॉक्टर्स ने ब्लैक बैंड पहनकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। दरअसल मामला कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का है, जहां जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला सामने आया है। हाल ही अपडेट में बता दें कि अब इस केस में CBI की एंट्री हो सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में पुलिस ने पूछताछ के लिए 4 लोगों को लाल बाजार थाने बुलाया। बताया जा रहा है कि उस दिन अस्पताल में दिन और रात के समय जो पीड़िता डॉक्टर के साथ लोग शिफ्ट में शामिल थे, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। इन चारों में 3 जूनियर डॉक्टर और 1 हाउस स्टाफ शामिल है। पीड़िता डॉक्टर के साथ चारों लोगों ने खाना खाया था। पुलिस बयान दर्ज कर ये जानना चाहती है कि खाना खाने के बाद वो लोग कहां कहां गए और उन्होंने क्या क्या किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरजीकर हॉस्पिटल केस में एक नहीं बल्कि अन्य लोग भी आरोपी हो सकते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक छात्र और PGT का फोन ऑडियो रिकॉर्ड वायरल हो गया है। इसी सिलसिले में पीड़िता के साथ काम करने वाले 4 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। फिलहाल देश भर के डॉक्टर इस समय एकजुट हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तमाम बड़े अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों से प्रोटेस्ट के वीडियो सामने आ रहे हैं। लोकल 18 के लिए रोहतक से योगिता महेश्वरी की रिपोर्ट।